हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेप्स टेक्निकल। तो गाइस, आज इस वीडियो में हाल ही में जो MI नोटबुक होराइजन एडिशंस रिलीज़ हुआ है उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो डिस्प्ले में आप लोगों को 35.56 सेंटीमीटर 14 इंच फुल HD एंटी ग्लेयर होराइजन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब अगर इसका प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो इसमें आप लोगों को दो वेरिएंट मिलेगा, जो कि एक है 1.8 GHz क्वाड कोर 10 जनरेशन इंटेल कोर i7 और 1.6 GHz इंटेल कोर i5। ग्राफिक्स में आप लोगों को एनवीडिया का गेट फोर्स MX350 ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा। अब अगर इसका रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करो तो वो भी एक ही वेरिएंट है, 8 GB रैम, 2666 MHz DDR4 रैम और इंटरनल स्टोरेज इसमें आप लोगों को 512 GB SSD स्टोरेज मिल जाएगा, जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ा कम ही है। अगर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ तो आप लोगों को लेटेस्ट विंडोज 10 होम बेसिक मिल जाएगा। और लास्ट में अगर इसका बैटरी के बारे में बात करूँ तो 65 वाट वाला बैटरी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि 10 घंटे तक आप लोगों को आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो आप अगर इसका प्राइस के बारे में अगर बात करो, जो बेस वेरिएंट है 10th जनरेशन कोर i5 वाला, वो आप लोगों को मिल जाएगा 54,999 में, और जो कोर i7 वाला वर्शन है वो आप लोगों को मिल जाएगा 59,999 रुपीज़ में। अब अगर इस नोटबुक का प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करूँ तो प्रोस में आप लोगों को पहले तो नोटबुक बहुत ही लाइट वेट है, 1.36 kg इसका वेट है, जो कि आप लोग बहुत ही आराम से कैरी कर सकते हैं। डिस्प्ले का बेजल्स आप लोगों को बहुत ही थिन मिलेगा और इसका जो स्पीकर क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लाउड है। अब अगर इसका कॉन्स के बारे में बात करूं तो मेरे ख्याल से कौन से फेक ही है, जो कि इसका स्टोरेज कैपेसिटी 512 GB का स्टोरेज जो इन लोगों ने दिया हुआ है तो बहुत ही कम है। कोई अगर इससे इस लैपटॉप से गेम खेलना चाहते हैं तो उसके लिए 512 GB का स्टोरेज तो बहुत ही कम पड़ेगा। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, अगर आप लोग कोई नॉर्मल यूजर्स के लिए इसको लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, मतलब कि इतना हाई परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप भी नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।